हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद एकता। आप लोगों ने मेरी प्रेशर कुकर रेसिपीज बहुत पसंद की हैं, इसीलिए एक और प्रेशर कुकर रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है केक की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो भी प्रेशर कुकर में। अगर घर पे अचानक से गेस्ट आ जाए, केक खाने का मन हो, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई आउट करिएगा। आइए फटाफट इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मेरे पास यहाँ पे है 150 ml ऑफ मिल्क, 5 चम्मच बटर लिया है मैंने, तकरीबन 70 ग्राम्स के करीब होगा ये। और मेरे पास यहाँ पर है टॉप्स का केक मिक्स। तो चॉकलेट केक मिक्स आता है टॉप्स में, वनीला आता है और पाइनएप्पल आता है, और मैं तीनों ट्राई कर चुकी हूँ एंड आई बिलीव चॉकलेट इज द बेस्ट वन। आई डू नॉट एंडोर्स एनी ब्रांड, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ जो मैंने खुद से ट्राई करे हैं। अब बस इन सबको मिक्स करना है और हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो आइए सबसे पहले बाउल में आप मिक्स जो आपके पास था उसको इन्वर्ट कर लें। इसमें आप ऐड करेंगे दूध और साथ के साथ इसमें आप ऐड कर देंगे बटर। बस अब इन सबको अच्छे से चलाएं और बिल्कुल एक प्रॉपर बैटर तैयार हो जाएगा। आप चलाते रहें, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। चलाते जाइए और इसको स्मूद आउट करते जाइए। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, कुछ और ऐड मैंने इसमें नहीं किया है। इस तरह का बैटर मेरे को चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर है इसका, आप देख सकते हैं क्रीमी भी ये है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक वेसल को ग्रीस करिए। ये देखिए मैंने एक टिन लिया है एल्यूमिनियम का, इसको मैंने पहले ग्रीस कर दिया है बटर के साथ और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर व्हीट फ्लोर यानी आटा बस स्प्रिंकल किया है और कुछ नहीं किया है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ऊपर स्पॉन्ज केक की रेसिपी आ रही है, उसको रेफर करें, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि वेसल को आप कैसे ग्रीस आउट कर सकते हैं। अब फटाफट एक कुकर में हम 3 से 4 ग्लास पानी डालेंगे, पानी को गर्म करेंगे और इस केक को उसी में पकाएंगे। आइए तो दिखाती हूँ कैसे। जब तक पानी गर्म होता है तब तक आप अपने मिक्सचर को इसमें पलट दीजिए। ये देखिए आपका मिक्सचर इस तरह से पोर इन हो जाएगा, अच्छे से ऐसे फैला दें, इसको टैप कर दें। थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करें 1 चम्मच बटर में और ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। चलिए तो करते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट। वॉलनट्स का और चॉकलेट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ये देखिए मैंने वॉलनट्स को छील के रखा है, अब मैं इनको थोड़ा सा बटर के अंदर रोस्ट करूँगी। टाइटली रोस्ट कर लीजिए इनको, हल्का सा ब्राउनिश कलर देना है, वो स्मेल नटी स्मेल आनी चाहिए। जो मेरा मिक्सचर है इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे वॉलनट्स को, इस तरह से डाल दीजिए। ये मिक्सचर एकदम तैयार है और अब हम करेंगे कुकर को गरम, थोड़ा सा एक हीटिंग टेम्परेचर बनाएंगे और उसके बाद बेक करेंगे केक को। दिखाती हूँ कुकर को कैसे गरम करना है। तरह से कुकर की सीटी निकाल दीजिए और ढक्कन ऐसे ढक दीजिए, गैस को कर दें ऑन और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुकर को रहने दीजिए, जब तक हीटिंग एनवायरनमेंट अंदर क्रिएट ना हो जाए। 5 मिनट के बाद खोल के देखते हैं। ये देखिए भाप निकल रही है, इसका मतलब हीटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। एक स्टैंड इसमें प्लेस करें इस तरीके से और अब इसमें आप टिन प्लेस कर देंगे केयरफुली। ये गया मेरा टिन, ये देखिए बस। अब आप इसको ढक देंगे 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा केक बना है कि नहीं। 20 से 35 मिनट के बाद आइए हम लिड उठाकर देखते हैं केक बना है कि नहीं। ओ माय गॉड, ये देखिए केक कितना फूल चुका है और अब बारी है इसको चेक करने की। पिक है और मैं बस इसको इंसर्ट करूंगी और ये क्लीन आई है, इसका मतलब केक बिल्कुल पक चुका है। अब इसको ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद इसको नट्स के साथ गार्निश करेंगे और डीमोल्ड करेंगे। अब इसको डीमोल्ड करते हैं, बस इस तरह से चाकू को रन कर दीजिए चारों तरफ। ये देख भी सकते हैं आप, ये वैसे भी मूव आउट कर रहा है। देखिए केक हमारा बिल्कुल रेडी है, गार्निश कर दिया है इसको मैंने थोड़े से वॉलनट्स के साथ और मैं इसको गार्निश करूंगी थोड़े से हर्शीज सिरप के साथ। ऊपर से पोरिंग करेंगे हर्शीज इसके ऊपर और ये देखिए आपका टेम्पटिंग चॉकलेट केक
और वो भी इंस्टेंटली बनकर बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको ये इजी टू डू वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, ऊपर सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, शेयर करें ये रेसिपी औरों के साथ, और मेरा दूसरा चैनल है ट्रेंडिंग वीडियोज़ क्रिएशन बाय एकता, उसको देखना भी ना भूलें। बाय फॉर नाउ।